हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहां पे हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटलर्जी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और साथ ही अमोनिया से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा सारे लेक्चर्स के वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूं तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डन बाय तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की कैसे की जाती है तो कौन सा मेथड है बाय हेबस प्रोसेस ऑसवर्ड प्रोसेस कॉन्टेक्ट प्रोसेस एंड प्रोसेस तो आपको पता ही है प्रोसेस जो होता है वो होता है अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए तो हेबस प्रोसेस तो सही आंसर नहीं होगा सही आंसर क्या होगा ओस्टवॉल्स प्रोसेस तो ओस्टवॉल प्रोसेस किसके लिए होता है नाइट्रिक एसिड के लिए साथ में कांटेक्ट प्रोसेस आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की जाती है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से और हुप्स प्रोसेस जो होता है प्रोसेस से

ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको शो करती है, हमारे पास है cool तो जो और फॉर्म करता है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस आंसर विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड तो इतना ध्यान रखना कि अगर कॉपर को आप रिएक्ट करते हो किसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ एच तो ये है कोल्ड एंड डाइल्यूट कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो ये फॉर्म करता है क्यूप्रिक नाइट्रेट सी यू एन ओ थ्री होल्डस प्लस वाटर ऑब्वियसली और साथ में एनओ गैस फॉर्म करता है यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए इसको बैलेंस थ्री और यहां पे हो जाएगा टू एनओ और फोर एच टू ओ तो यहां पे ये कौन सी गैस फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है एनओ NO फॉर्म करता है तो इसका आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कोल्ड और डाइल्यूट की जगह हॉट या कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो तब वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज तो नाइट्रिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है एक्वारेजिया तो एक्वारेजिया आपको पता ही है एक्वारेजिया तो मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और HCL का ये मिक्सचर होता है एक्वारेजिया तो ये तो आंसर होगा नहीं ऑयल ऑफ फिट्रियल अगेन ऑयल ऑफ फिट्रोल भी नहीं होगा ऑयल ऑफ फिट्रोल किसके लिए बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए एक्वाफोर्टिस विल बी करेक्ट आंसर एक्वाफोर्टिस बोला जाता है नाइट्रिक एसिड के लिए तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन बी डन बाय रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद पोटेशियम नाइट्रेट तो पोटेशियम नाइट्रेट और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप रिएक्ट करते हो और ये आपको पता है कि द रिएक्शन मस्ट भी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तो रिएक्शन जो होती है वो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पे होनी चाहिए आप उसको हीट करते हो बट इट हैज टू बी हीटेड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप करते हो तो आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि मैंने आपको लेक्चर्स के वीडियोज में ऑलरेडी बताई है तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि बिलो टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं जहां पे एक ब्राउन रिंग फॉर्म होता है जहां पे हम फेरस सल्फेट सोल्यूशन यूज करते हैं फेरस सल्फेट सोल्यूशन के साथ जो नाइट्रेट वाला कोई कंपाउंड होता है जैसे सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड उसको हम उसका जो मिक्सचर होता है इसमें हम स्लोली क्या ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और जहां पे जंक्शन बनता है दोनों का वहां पे ब्राउन रिंग आपको देखने को मिलेगा इसलिए इसका नाम क्या है है ब्राउन रिंग टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग फॉर्म एट द जंक्शन इज तो आपको पता है कि जहां पे जंक्शन होता है क्योंकि आप एक टेस्ट ट्यूब में लेते हो नीचे होता है सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर होता है मिक्सचर होता है किसका फेरेट का प्लस दूसरा आपके पास कोई नाइट्रेट कंपाउंड जो होता है जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया या और एक और कोई कंपाउंड हो गया NaNO3 हो गया जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है तो ये जंक्शन जो होता है जहां पे दोनों मिलते हैं यहाँ पे क्या बनता है तो ध्यान रखिए पे बनता रखिएफ ई एसओ फो डॉट एनओ यानी कि नाइट्रोसो फेरस फेरसल्फेट एनओ नाइट्रोसो फेरस सल्फेट तो करेक्ट आंसर विल बी एफ ई एसओफ डॉट एनओ नाइट्रोसो फेरसल्फेट होता है हो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाइट्रेट विच लीव्स ब्लैक रेसिड्यू ऑन हीटिंग इज तो कौन सा नाइट्रेट है जो हीट करने पे ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करता है लेड नाइट्रेट ध्यान रखना अगर लेड नाइट्रेट की बात करें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज होल ट्वाइस तो ये क्या फॉर्म करता है अगर आप इसको हीट करोगे तो ये ध्यान रखिए ये फॉर्म करता है पीबीओ प्लस साथ में नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन गैस ये इवोल्व करता है तो इसका इस तरीके से टू पीवीओ और ओ टू ये इवॉल्व करता है तो अब आप यहां पे देखिए रेसिड्यू जो होता है रेसिड्यू किसका फॉर्म होता है लेड ऑक्साइड का और लेड ऑक्साइड का ऑब्वियसली कलर कैसा नहीं होता है ब्लैक नहीं होता है, होता है अगर पे, अगर होता, तो जिंक फॉर्म करेगा कलर कर होता, 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 होता है वो होता है व्हाइट जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कलर क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कलर होता है ब्लैक होता है तो जो होता है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो ये ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करेगा करेक्ट आंसर विल

कॉपर नाइट्रेट जो कि एक ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करता है हीट करने पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू तो कार्बन को कैसे ऑक्सीडाइज करता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो आपको पता है कार्बन और कंसंट्रेटेड एच एनओ थ्री यहां पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर हम रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ तो ध्यान रखिए ये क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तो करेक्ट आंसर विल भी आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लो आराम से तो यहां पे फोर हो जाएगा यहां पे टू एंड फोर तो द करेक्ट आंसर विल बी So, कार्बन कार्बन को ऑक्सीडाइज करके चाहे कार्बन करके क्या फॉर्म कर, कर लेते हैं तो आई इतना समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सल्फर एंड फॉर्म नाउ सेम क्वेश्चन है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है क्या तो अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है इसका हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वॉटर बाकी उसके साथ क्या बच जाएगा हमारे पास NO2 तो इसका ध्यान रखना तो 2 एच एंड NO2 टू सिक्स ये आपकी रिएक्शन होगी तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आपके पास होगा सल्फ्यूरस एसिड नहीं ये होगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड सो करेक्ट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड तो ध्यान रखना आपने वैसे एसिड बेसिस एंड शॉर्ट्स में भी पढ़ा था कि किस तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो सल्फर के साथ कभी भी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर सी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच